हेलो गाइस, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बियॉन्ड एडुकेशन। जैसा कि मैंने आपको मोटिवेशनल वीडियो में बताया था कि हम एक न्यूमेरिकल की सीरीज़ लेकर के आएंगे, तो चलिए उसी सीरीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो मॉड्यूल होते हैं, जो स्टडी पैकेज होता है, या जो रैंक बूस्टर होता है, या जो कैप्सूल होता है, हम वैसे ही मॉड्यूल की सॉल्यूशन की एक पूरी सीरीज लेकर के आएंगे जो कि आपको यूट्यूब पे मिलेगा। साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट ये है कि जो बच्चे मेरे पास इनरोल्ड हैं या जो इनरोल्ड होंगे, हम सब लोगों ने डिसाइड किया है कि अपार्ट फ्रॉम द क्लासरूम प्रोग्राम जो हम लोग चलाते हैं अपने कोचिंग में, हम एक स्पेशल बैच भी अनाउंस करेंगे। ये बैच स्पेशली डिजाइन होगा फॉर आईआईटी जेई फॉर नीट। आईआईटी जेई और नीट के लिए स्पेशल बैच होंगे जिसके अंदर हम पढ़ेंगे नहीं, जिसके अंदर हम सीखेंगे। क्या सीखेंगे? सवाल बनाना सीखेंगे। ये जो क्लासरूम प्रोग्राम होगा, उस क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर हम अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो मॉड्यूल हैं, उन मॉड्यूल का सॉल्यूशन करेंगे। आप इतना सुनने के बाद आप सब लोगों में से कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, तो क्या वैसा मॉड्यूल हमें खरीदना पड़ेगा? तो जवाब है नहीं। आपको प्रोवाइड किया जाएगा हमारे संस्थान की तरफ से, जिसका नाम है फिजिक्स बाय आईआईटीएन राकेश सिंह। आपको कोई चीज बाहर से खरीदनी नहीं है, सिर्फ आपको एक पेन और एक कॉपी लेकर के हमारे सामने बैठ जाना है। हम आपको बना के दिखाएंगे भी और आपसे बनवाएंगे भी। तरीका हमारा होगा, मेहनत आपकी होगी। तो चलिए हम बात करते हैं ऐसे ही एक मॉड्यूल के बारे में, जिसको हम अपने वीडियो सीरीज में सबसे पहले जो है वो शुरू करेंगे। जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, ये रेजोनेंस का रैंक बूस्टर मॉड्यूल है, फिजिक्स के लिए स्पेशली है ये, ठीक है। क्या क्या है इसके अंदर और हम क्या क्या करने वाले हैं, मैं पहले आपको पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो में ये समझा देता हूं। सबसे पहला ये है रेजोनेंस का रैंक बूस्टर, 1000 प्लस परफॉर्मेंस बूस्टर इस पे लिखा है। ये किताब स्पेशली जेई एडवांस की है। तो मैं जब ये बात बोल दूं जेई एडवांस, तो आपको समझना है कि मोर देन वन आंसर भी करेक्ट होगा। तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे ऐसे मॉड्यूल की, तो एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एवरी क्वेश्चन, ड्यूरिंग सॉल्विंग एवरी क्वेश्चन, आपको ये दिमाग में रखना है कि मोर देन वन आंसर भी करेक्ट हो सकते हैं। क्या क्या है इस बुक में, आइए बात करते हैं। तो ये किताब बहुत अच्छी है रिवीजन करने के लिए, आपको स्ट्रेंथ गेन कराएगा ये किताब, और जो कंसेप्ट्स आपने पढ़े हैं उस कंसेप्ट की क्लैरिटी भी आपको मिलेगी। इस किताब के अंदर टॉपिक वाइज 1000 प्लस क्वेश्चंस हैं, 6 पार्ट में फुल सिलेबस टेस्ट है, सॉरी 6 पार्ट सिलेबस टेस्ट है, 3 फुल सिलेबस टेस्ट हैं, और इस किताब में 11th और 12th के सारे चैप्टर कवर किए गए हैं। अगर मैं किताब के अंदर की बात करूं, तो किताब के अंदर सबसे पहला सेक्शन 1 दिया हुआ है, जो कि है टॉपिक वाइज प्रॉब्लम्स। सिर्फ क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे एमसीक्यूज होंगे, एसर्शन बेस्ड होंगे, ठीक है, न्यूमेरिक इंटीजर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो इसके अंदर कुल 25 टॉपिक है, जो कि स्टार्ट होता है आपका यूनिट डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस से और खत्म होता है वेव ऑप्टिक्स पे। ऐसे ही इसके अंदर रेक्टिलिनियर मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, रिलेटिव मोशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, फ्रिक्शन है, वर्क पावर एनर्जी है, सर्कुलर मोशन है, सेंटर ऑफ मास, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन, स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स जिसके अंदर टेंशन, विस्कोसिटी और इलास्टिसिटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ग्रेविटेशन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है,
कैपेसिटेंस है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, अल्टरनेटिंग करंट है, मॉडर्न फिजिक्स है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है और वेव ऑप्टिक्स है। तो अगर आप देखें इस किताब के इंडेक्स को तो इसमें 11th और 12th के टॉपिक कहीं कहीं पे मर्ज किए हुए हैं, मतलब पहले 12th है फिर 11th है, तो हम इसी सीक्वेंस में इसको पढ़ेंगे, इसको बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 2 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है जिसके अंदर आपको 6 फुल पार्ट टेस्ट दिए हुए हैं और 6 पार्ट टेस्ट दिए हुए हैं और 3 फुल टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे, सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन से। जितने भी क्वेश्चन होंगे रेक्टिलिनियर मोशन के उसको हम अपने वीडियो में बनाएंगे। वीडियो की लेंथ जो होगी वो लगभग लगभग हम 1 घंटे की ही रखेंगे ताकि आपके ऊपर लोड ना पड़े। इन सब के अलावा इसके PDF डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे। आपको करना क्या है, आपको PDF डाउनलोड कर लेना है, ना आपको किताब खरीदना है, ना आपको प्रिंट कराने का सोचना है, बस मोबाइल में PDF रख लेना है और बनाना स्टार्ट करना है। साथ ही साथ आज मैंने जो टॉपिक अनाउंस करना है, आपको आपके पास 1 दिन का टाइम है, उस टॉपिक को आप एक बार रिवाइज कर लें ताकि जब आप सॉल्यूशन देखें, जब आप वीडियो देखें तो आपको कंसेप्ट में कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना हो। आप एक बार देख लो, समझ में आ जाता है कंसेप्ट तो न्यूमेरिकल उतना ही बेहतर तरीके से आप बना पाएंगे। इस सब के अलावा मैं किन किन कोचिंग के मॉड्यूल को डिस्कस करूंगा, ऑनलाइन भी डिस्कस करूंगा और अपने कोचिंग क्लासरूम प्रोग्राम में भी डिस्कस करूंगा। जैसा कि मैंने कहा है कि फिजिक्स मैं इतना आसान कर दूंगा आपके लिए कि जो लोग आज तक फिजिक्स से डरते थे, आने वाले दिनों में फिजिक्स आपसे डरेगा, ऐसा कोई सवाल नहीं है। जो आप फिजिक्स का बना नहीं पाओगे, ऐसी कोई सवाल नहीं होगी जिसको बनाने की एबिलिटी मैं आपके अंदर भर ना दूं। पहले कंप्लीट करेंगे रेजोनेंस का रैंक बूस्टर, उसके बाद कवर करेंगे हम एलएन का स्टडी पैकेज। एलएन कंप्लीट करने के बाद हम बढ़ेंगे न्यूक्लियॉन के स्टडी पैकेज को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम मोशन के स्टडी पैकेज को डिस्कस करेंगे। हर एक वीडियो में, हर एक दिन, हर एक डिस्कशन के बाद वीडियो में आपको एक DPP मिलेगा। आपको बस करना यह है कि जो मैंने पढ़ाया उसको कर लो कंप्लीट और DPP बाबू देख कर करके सॉल्व करो। अगर तुम ये DPP 1 साल उसी मोटिवेशन से, जिस मोटिवेशन की मैंने चर्चा की है, अगर तुम बना पाते हो, बनाते हो, तो ट्रस्ट मी, जब आप IIT JEE, JEE मेंस, JEE एडवांस जिसको कहते हैं, या नीट, जब आप ऐसे एग्जाम में बैठोगे तो यू विल नेल द एग्जाम। वो एग्जाम की आप धजिया उड़ा के रख दोगे, इतना बेहतर एग्जाम आप देने वाले हो। 25 क्वेश्चन में 25 बनेगा, 45 में 45 बनेगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। क्लासरूम प्रोग्राम में जो लोग आएंगे या जो क्लासरूम में अभी भी इनरोल्ड हैं, उनके लिए एक अनाउंसमेंट ये है कि जिस तरह से हम लोग का बैच चलता है उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट संडे के संडे वी विल बी डूइंग वर्कशॉप। हर एक संडे वर्कशॉप होगा। क्या होगा उस वर्कशॉप में, तो उस वर्कशॉप में आपकी क्वालिटी को इनहेंस करने का काम हम और हमारी टीम करेगी। हर एक वर्कशॉप में आना कंपलसरी है, साथ ही साथ वर्कशॉप में आपको एक सीट दिया जाएगा जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होंगे। आपको करना यह है कि आपको जो भी समय लगे, 1 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, आपको वो सीट यहीं बैठ करके सॉल्व करना है।
अगर आप सॉल्व करते हैं, बीच में कोई भी परेशानी आएगी, कोई भी समस्या आएगी, मैं वहां पे मौजूद हूंगा आपको गाइड करने के लिए। अगर ये सीट, ये वर्कशॉप आप आने वाले एक साल, आने वाले दो साल अगर आप रेगुलर कर पाते हो, तो देखना फिजिक्स के का चेंज तुम्हारे अंदर कितना आएगा। जो फिजिक्स का भय है, उस भय से तुम निकल जाओगे और इतनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि उसका कोई जवाब नहीं होगा। शुरुआती दिनों में जब आप इस वीडियो को भी देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे, तो कभी कभी ऐसा होगा कि आप थोड़ा बोरियत महसूस करेंगे, इसलिए कि जब सवाल बनता है तो बहुत अच्छा लगता है, सवाल नहीं बनता है तो आदमी थोड़ा बोर होता है। आपको करना बस ये है कि आपको बस बने रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो देखते रहना है, क्लासरूम में बैठना है, क्लासरूम में क्वेश्चंस लगाने हैं, क्योंकि ये जो समय है ये बहुत क्रूशियल समय है आपके लिए। एक बार अगर आपने इसको मिस कर दिया तो जिंदगी भर आपको इस बात का मलाल रहने वाला है। मैं अपने स्तर से जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर करूंगा। आप लोगों का सुझाव नीचे कमेंट में भी आना चाहिए कि सर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप जब अपना सुझाव देते हैं, जब आप मोटिवेट करते हैं, जब आप मोटिवेट होते हैं, तो उस मोटिवेशन से हमें और बेहतर करने की ऊर्जा मिलती है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग रेजोनेंस के रैंक बूस्टर से, और रेजोनेंस के रैंक बूस्टर में हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे, जिसके क्वेश्चंस बनाएंगे, वो है रेक्टिलिनियर मोशन। वीडियो की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए ये आप मुझे बताएंगे कि किस तरह से, किस डेट में वीडियो आना चाहिए, कौन कौन से दिन आने चाहिए, बट सप्ताह में तीन वीडियो आपको इसका मिलेगा। तीन वीडियो एक एक घंटे का, जिसमें हम जितना से जितना मैक्सिमम हो सके उतना मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे। याद रखना है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसकी एक स्पीड होगी, एक पेस होगा, क्योंकि आईआईटी आपको एक साल का समय, दो साल का समय पढ़ने के लिए देता है, बनाने के लिए आपको वो एक साल का समय नहीं देता है। जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आपको बहुत लिमिटेड समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इस एबिलिटी के साथ टाइम मैनेजमेंट स्किल को सीखते हुए ही हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों को करना क्या है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और नीचे कमेंट करना है कि आप कौन कौन से दिन आप वीडियो देखना चाहते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि वीडियो उसी फ्लो के साथ आप तक पहुंचाया जाए। सो अगले लेक्चर के लिए जुड़ रहिए। अगला लेक्चर कब आएगा वो मैं आपको बता दूं, अगला लेक्चर आपको मिलेगा जो क्वेश्चन की जहां से सीरीज स्टार्ट होगी वो होगा थर्सडे को। थर्सडे को 2:00 एग्जैक्ट 2:00 करके आपके पास YouTube पे वीडियो अपलोड हो चुका होगा। आपको करना बस ये है कि वीडियो देखना है, नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाना कभी भूलिएगा मत, ठीक है। तो यहां तक ही हम लोग अपने वीडियो को रखते हैं, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था। अगले वीडियो में जो कि नाम होगा जिस वीडियो का, कुछ तो लोग कहेंगे, हमने इस कोर्स का नाम दे दिया है ऑनलाइन सीरीज का, कुछ तो लोग कहेंगे, ये भी बता देता हूं उसके पीछे की धारणा क्या है, क्यों कहेंगे। क्योंकि जब आप किसी दूसरे कोचिंग का मॉड्यूल बनाओगे अपनी क्वालिटी को इनहेंस करने के लिए, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहेंगे अरे इसको इसका मत बनाओ, उसका बनाओ, उसका मत बनाओ, उसका बनाओ, ठीक है। तो लोगों का काम है बोलते रहना, हमारा काम है लगे रहना, करते रहना, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, और अगले वीडियो में हम रेक्टिलिनियर मोशन के न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तब तक रेक्टिलिनियर मोशन रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।